गाजियाबाद में बंटी बबली का कहर, जालसाज पति पत्नी के निशाने पर ज्वेलर्स, पलक झपकते ले उड़ते हैं लाखों का सामान। गोल मटोल चेहरे वाले पति पत्नी की इस जोड़ी के हाव भाव ऐसे हैं मानो शराफत तो इनके चेहरे से टपक रही है, लेकिन यकीन मानिए इनके कारनामों पर तो पूरी की पूरी बॉलीवुड की एक फिल्म बन सकती है। दरअसल गाजियाबाद में बंटी बबली की इस जोड़ी ने इस कदर कहर बरपाया हुआ है कि बड़े से बड़े भी इनके सामने पानी भरते हैं। हैरत में डाल देने वाले इनके कारनामे बताने से पहले हम आपको सीसीटीवी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि अपने आप को पति पत्नी बताने वाला ये जोड़ा कितना बड़ा जालसाज है। तारीख 7 नवंबर, वक्त दोपहर के करीब 1:15 बजे, जगह गाजियाबाद का विजयनगर इलाका। वैश्वी ज्वेलर्स नाम के एक शोरूम के सामने एक काले रंग की लग्जरी कार आकर खड़ी होती है। कार से समझदार दिखने वाला एक जोड़ा बाहर निकलता है और शोरूम के अंदर दाखिल हो जाता है। भोले भाले चेहरे वाले इस जोड़े ने महंगे कपड़े पहने हुए थे और इनके हाव भाव ऐसे थे जैसे कोई जेन्युइन ग्राहक हो। खुद को पति पत्नी बताने वाले इस जोड़े ने अक्षय से बोला कि उनके माता पिता की 50वीं सालगिरह है, लिहाजा उन्हें चेन और पेंडेंट देखना है। ज्वेलर अक्षय उन्हें तरह तरह के चेन और पेंडेंट दिखाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक पेंडेंट और दो चेन पसंद भी आ जाते हैं, जिसके बाद शोरूम मालिक से ज्वेलरी में थोड़ा कंफ्यूजन होने की बात कहकर दोनों ही ज्वेलरी अपने साथ ले जाने की बात करने लगते हैं। उनका कहना था कि इनमें से जो भी उन्हें पसंद आएगा वो रखेंगे, बाकी उन्हें वापस लौटा देंगे। इसके बदले उन्होंने सोने का ब्रेसलेट गारंटी के तौर पर ज्वेलर अक्षय को दिया और कहा कि वो ब्रेसलेट अपने पास रख लें, कुछ ही देर में वो सोने की चेन या पेंडेंट वापस कर देंगे और उन दोनों में एक खरीदी गई ज्वेलरी के रुपए देकर अपना ब्रेसलेट वापस ले जाएंगे, जिस पर शोरूम मालिक तैयार हो गया और उन्हें ब्रेसलेट की गारंटी के बदले ज्वेलरी दे दी। उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर हॉलमार्क है, इसमें 5 स्टैम्प्ड लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे ये दिया और बोलते हैं कि आप इसको रखिए, हम बस 15 मिनट में आपको जो है ये चेक कराकर अभी दोनों में से कौन सी चेन लेनी है ये हम दिखाकर अभी आते हैं। मैंने उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगा, जो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर मुझे दिया, वो मैंने उस नंबर पे कॉल करी तो उनके हाथ में था मोबाइल नंबर, वो उन्होंने मुझे दिया। जब मैंने देखा कि चलो ब्रेसलेट भी हॉलमार्क का है, मेरा प्रोडक्ट भी लगभग इतना ही बैठ रहा है, तो मैंने 15 मिनट को उनके लिए जाने को दे दिया। जब 15 मिनट हो गए और वो नहीं आए 15-20 मिनट, तो मुझे कुछ कुटका सा हुआ, मैंने तुरंत ही जो है उस नंबर पर कॉल करी। अक्षय के मुताबिक काफी देर तक जब दोनों नहीं लौटे तो उसने उन्हें फोन किया, मगर उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। शक होने पर उसने ब्रेसलेट की जांच कराई तो पता चला कि ब्रेसलेट के कुंडे पर जो हॉलमार्क की मोहर लगी थी बस वही असली थी, बाकी पूरा ब्रेसलेट नकली था। अक्षय के मुताबिक उनके हुलिये और जिस तरह से उन्होंने उससे ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर मोलभाव किया, उससे साफ लग रहा था कि वो एक जेन्युइन कस्टमर हैं और यही वजह थी कि वो उनके झांसे में आसानी से फंस गया। से कहा कि आप चेन दिखा दीजिए, तो मैंने जब उनको चेन दिखाई तो मेकिंग चार्जेस पर वो मेरे से बहस करने लगे। अच्छा, जो लोग मेकिंग चार्जेस पर बहस करते हैं वो मैंने देखा जनरली जेन्युइन ही कस्टमर होते हैं, तो मैंने उनके लिए जो है मैंने उनसे कहा नहीं साहब इतना ही मेकिंग चार्जेस लगेगा। काफी देर उन्होंने आपस में डिस्कस करने के बाद उसमें से 2 चेने और 1 पेंडेंट निकाला और मुझसे बोले कि हम बहुत कंफ्यूज हैं भैया, कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये चेन ली जाए या फिर ये पेंडेंट लिया जाए, हमारे माता पिता की 25वीं एनिवर्सरी है। तो जब काफी देर उन्होंने डिस्कस किया तो उसमें से उन्होंने 2 चेन फाइनल करी और कहते हैं कि ये दोनों चेने भैया हमें, या तो हम ये पेंडेंट लेंगे इसमें से 1 चेन हम आपको वापस कर देंगे या फिर हम दोनों ये चेने ले लेंगे। फिलहाल पुलिस ने ज्वेलर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश का जिम्मा गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बंटी बबली की इस जोड़ी ने कई और ज्वेलर्स को अपना शिकार बनाया है।